गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है दहन एवं ज्वाला। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आग लगती है तो क्या होता है, कोई भी आसपास की जो चीज़ें होंगी वो जल जाती है। तो आपने कभी सोचा है ये जलने की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है, जलने में किन किन ना चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने कभी नोट किया होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहाँ पे तो आग आसानी से जल जाती है, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, आग जल नहीं पाती। किस कारण से? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे क्या होता है, आग बहुत जल्दी पकड़ती है। तो दहन क्या होता है? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा कर देता है, यानी वह रासायनिक पदार्थ जो क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा यानी रिएक्शन करेगा। अभिक्रिया करने के बाद में उसको जला देगा, और जलाने के पश्चात क्या देने लग जाएगा, ऊष्मा देगा और प्रकाश देता है। यानी कोई भी वस्तु जलती है तो उससे हमें लाइट मिलती है, नहीं मिलती लाइट यानी प्रकाश, उजाला। तो वही क्या हो गई हमारी दहन की प्रक्रिया। अभी दहन की प्रक्रिया भी दो प्रकार से होती है, एक तो होती है स्वतः दहन और एक होती है तीव्र दहन। यानी दहन होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वतः दहन और सेकंड है हमारा तीव्र दहन। स्वतः दहन में क्या होता है, ऐसा दहन जिसमें कोई भी पदार्थ क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ में ना रिएक्शन करके अपने आप ही आग लग मतलब दहन की प्रक्रिया कर जा हो जाती है। तो आपने देखा होगा जंगलों के अंदर गर्मियों में क्या होता है, कड़ाके की धूप पड़ने पर जो ना जंगलों के सूखे पत्ते होते हैं ना, वहाँ पे आग लग जाती है। तो ये आग क्यों लगती है? क्योंकि ये जो सूखी पत्तियाँ होती है वो क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। तो ये आग पकड़ते ही वो चारों ओर आग कहाँ, पूरे जंगल में फैल जाती है। तो इसका रीज़न क्या हुआ, यह क्या है, स्वतः दहन, यानी ऐसा दहन जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता मतलब होते ही उसने फटाफट ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने के बाद में दहन की प्रक्रिया हो गई। ये तो हमारा होता है स्वतः दहन। सेकंड है तीव्र दहन। तीव्र दहन यानी जैसे अपन ने कहीं पे पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालकर वहाँ पे माचिस की तिल्ली लेकर आग जला के डाल दी, तो क्या हुआ, वो पेट्रोल एक सेकंड के अंदर किस में चेंज हो जाता है, ज्वाला के अंदर। यह जो उदाहरण है वो किसका है, तीव्र दहन। तो आपको दहन के बारे में पता चल गया, दहन कितने प्रकार का होता है, दहन दो प्रकार का होता है, स्वतः दहन और तीव्र दहन। तीव्र दहन तो पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गई और बहुत सारी गैसें हैं ना, वो भी क्या कर लेती हैं, स्वतः दहन कर जाती हैं। यानी कोई भी गैस हो वो क्या करती है, अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ में और अपने आप ही वहाँ पे दहन की प्रक्रिया हो जाती है। जब ये दहन की प्रक्रिया तेजी से होने लग जाए तो ये किसका रूप ले लेती है, विस्फोट का। तो आपने देखा होगा दिवाली के टाइम में जब हम पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होने लग जाती है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है और साथ में प्रकाश यानी लाइट भी चारों ओर प्रकाश होने लग जाता है। तो ये किस कारण होता है कि है ना, दहन की प्रक्रिया तेजी से होने के बाद में वो किस में चेंज हो जाती है, विस्फोट के रूप में चेंज हो जाएगी। तो ज़्यादा विस्फोट भी हमारे लिए हानिकारक होता है। अब देखो, हमें पता होना चाहिए कोई भी पदार्थ कब जलता है, कैसे जलता है, किस कारण से जलता है। यानी कागज़ को हम जब जलाते हैं ना, वो भी क्या करता है, फटाफट आग पकड़ लेता है। किस कारण पकड़ता है, तो एक ताप होता है जिसको बोलते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप यानी ऐसा न्यूनतम ताप जो किसी भी पदार्थ के पास अगर है तो वह क्या करेगा, तेजी से अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद में वह दहन की प्रक्रिया करता है। जब भी आपसे पूछा जाए ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, वह न्यूनतम ताप जो किसी भी पदार्थ के साथ में अभिक्रिया करके
क्या देता है, उष्मा दे रहा है और लाइट यानी प्रकाश देता है, इसे ही क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। और जो पूरी प्रक्रिया हुई उसको क्या बोलेंगे, दहन। यानी जिस भी वस्तुओं का ज्वलन ताप कम होता है, जलने की जो अभिक्रिया है, जलने की जो स्पीड है वो कम होगी, तो वो पदार्थ उतना ही जल्दी जलेगा। अगर लकड़ी है तो लकड़ी में ज्वलन ताप थोड़ा कम होता है, गीली लकड़ी के अंदर, तो कम होने के कारण क्या होगा, ज्वलन ताप कम है तो वो फटाफट से तेजी से नहीं पकड़ पाएगी। पर जैसे ही सूखी लकड़ी आपने ली तो उसमें ज्वलन ताप अधिक होता है, ज्वलन ताप अधिक होगा तो वो क्या करती है, जल्दी ही आग पकड़ लेती है। आपने देखा होगा पेट्रोल वगैरह का उदाहरण लेके हम देखते हैं कि पेट्रोल क्या होता है, कहीं भी मतलब गाड़ी चल रही है और पेट्रोल अगर फैल गया है तो क्या होगा, वो तेज़ी से आग पकड़ लेता है, क्योंकि चारों ओर ऑक्सीजन तो होती है, जिससे क्या हो जाता है, हमारे दहन की प्रक्रिया हो जाती है। अब देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी लेते हैं, मैग्नीशियम जानते हो ना, एक धातु, उसकी पतली पट्टी ले ली। अब पतली पट्टी को लेकर उसे ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाई, अभिक्रिया करवाने के बाद में ये जो दहन की प्रक्रिया हुई वो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और क्या देती है, साथ में उष्मा देती है और हमें लाइट भी मिलती है, यानी प्रकाश भी मिलता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है दहन की, हम इसको मोमबत्ती के द्वारा समझ सकते हैं। आपने मोमबत्ती ली, उसको जलाया, तो आपने देखा होगा मोमबत्ती का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, गर्म होता है, और मोमबत्ती के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा गर्म होता है, और फिर जो मोमबत्ती के एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा है ना, जो मोमबत्ती की बत्ती बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है, वो गर्म नहीं होता बिल्कुल भी, वो बहुत ही कम गर्म होता है। तो देखो जो मोमबत्ती के बीच वाला हिस्सा है वो तो काला हो गया हमारा। अब काला होने के कारण क्या होता है, ये बीचों बीच है तो ये कम गर्म होगा। और सेकंड नंबर पे ये जो मोमबत्ती की अंदर की और एक और ज्वाला निकलती है उसका रंग पीला होता है। फिर थर्ड है सबसे भारी हिस्सा, तो आपने देखा होगा जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी जो ज्वाला होती है, ज्वाला के अंदर बाहर की साइड में नीला नीला रंग की ज्वाला होती है, वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, तो इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग। और बहुत से उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं कि दहन की प्रक्रिया किन किन में होती है, किस प्रकार होती है, कैसे हो रही है, और भी बहुत उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं। तो आइए हम एक और उपाय पढ़ते हैं कि ना जब आग लग जाए तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति किसी के व्यक्ति आग पकड़ लेता है तो क्या होगा, कर दे